आल बलूचिस्तान खुजदार के इलाके में मकीन गुम्बद खिजरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से सालाना प्रोग्राम तरतीब देने वाले अल मरकज इस्लामी जामे सन्नान बिन सलमा में खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार यमनी ने पूरे मुल्क से आने वालों को वेलकम और खुश आमदीद कहा। मुमताज हाफिज कारी हजरत अल्लामा कारी इसहाक खलीली साहब तशरीफ लाए को खुश आमदीद कहते हैं। हजरत अल्लाह मौलाना हिदायतुल्लाह साहब काफिले के साथ तशरीफ लाए को खुश आमदीद कहते हैं। हजरत अल्लाह मौलाना मंजूर अहमद करमी साहब तशरीफ लाए को खुश आमदीद कहते हैं। सैयद लियाकत अली शाह बुखारी साहब मौलाना मोहम्मद जान नक्शबंदी साहब ड्रिंगगढ़ से काफिले के साथ हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ लाए को खुश आमदीद कहते हैं। सैयद राजन शाह साहब तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद अजीम साहब हजरत अल्लामा प्रोफेसर सद्दाम हुसैन साहब तशरीफ लाए हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुलरहमान साहब तशरीफ लाए हजरत अल्लाह मौलाना खुदाबख्श साहब बान सईदाबाद से तशरीफ लाए को खुश आमदीद कहते हैं। जबकि इस मौके पर इस पुर्रौनक महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुलहाए अकीदत के फूल भी निशावर किए गए। नबी ने किया मैं सजाती थी आका की महफिल, मुझे रब ने अरगम से भरी कर दिया था। सैयद या रसूल अल्लाह सैयद या सल्ले अला जबकि इस बाबरकत महफिल में चंद करारदाद भी पेश की गई। खत्मे नबुवत व नामूसे रिसालत के वफादार सिपाही अमीर मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बाबा जी नकरुल्लाह मरकदहू के उस अजीम मिशन और फिक्र को आगे ले जाने वाले उन असीरान व मुजाहिदीन के नाम पे ये करारदाद पेश किया जाता है जो तकरीबन 7 महीनों से गैर कानूनी गैर आईनी नजरबंदी में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें सहर फहरिस्त जिगर गोशाह अमीर मुजाहिदीन सरबरा तहरीक गब्बा पाकिस्तान हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी जी तशक्कू और पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद जहीर हुसैन शाह साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शफी कमीनी साहब व दीगर जिम्मेदारान अहदेदारान व कारकुनान ये सब इस वक्त जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा आज इस अजीम शान अहले सुन्नत के नुमाइंदा कुन इज्तिमा में ये करारदाद पेश कर रहे हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर उन असीरान को रिहा किया जाए। मकीन गुम्बद खिजरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर इदारा अर्सन्नान बिन सलमा खुजदार की जानिब से हुफाज कराम में दस्तार फजीलत का एहतमाम भी किया गया। लेकिन मुझे यकीन है आप पूरा समझ रहे हैं इस बात को और कह रहे भी हैं सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ रहा हूँ मकामा नुमा शाफी का नादा चुनाए कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान।